असल एवरीवन वेलकम टू टू डेज लेक्चर ऑन द स्टेट जिसमें हम नेचर करेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन एंड ऑल्सो टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे सो तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ क्रोशियस हैं कि ये क्या होता है तो ये लेक्चर आपके लिए है आपको ये समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है कि स्टेट यानी कि रियासत क्या है क्या होती है क्यों होती है और ये हमारी लाइफ पर क्या असर डालती है तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेट या रियासत क्या होती है आसान लफ्जों में स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक स्पेसिफिक एरिया में ऑपरेट करती है स्टेट वो स्ट्रक्चर है जो अपनी टेरिटरी पर अथॉरिटी क्लेम करती है रूल्स बनाती है और उन्हें इनफोर्स भी करती है एक फेमस सोशोलॉजिस्ट वेबर ने स्टेट को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है कि कम्युनिटी क्लेम्स मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ गिवन टेरिटरी इसका मतलब है कि स्टेट वो कुदरत रखती है वो पावर रखती है कि वो अपने एरिया में अपने बनाए हुए कवानीस अपने बनाए हुए रूल्स को इन्फोर्स करे और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल पावर का असर भी ना होने दे फर्दर अब हम बात करते हैं कि स्टेट की नीचर क्या है यानी इसका असल मैार क्या है जो कि स्टेट को डिफाइन करता है स्टेट के कुछ कोर कंपोनेंट्स हैं जो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को बनाते हैं चार मेन कम्पोनेंट जो किसी भी स्टेट को डिफाइन करते हैं फर्स्ट वन इज टेरिटरी स्टेट का वो जियोग्राफिकल एरिया या जमीन का टुकड़ा जिस पर उसका अथॉरिटी होता है जिस पर उसकी अथॉरिटी होती है ये स्टेट का होम ग्राउंड होता है अगर टेरिटरी ना हो तो स्टेट का वजूद या स्टेट के एग्जिस्टेंस भी बहुत मुश्किल होती है नेक्स्ट आ जाता है पॉपुलेशन पॉपुलेशन एज वी नो इसमें लोगों की बात हो रही है वो लोग जो उस में रहते हैं पॉपुलेशन यानी लोग स्टेट का स्टेट की असल बुनियाद होते हैं स्टेट का स्ट्रक्चर और रूल्स उन्हें रेगुलेट करने के लिए होते हैं थर्ड वन आ जाता है दैट इज गवर्नमेंट गवर्नमेंट वो स्ट्रक्चर होता है जो लॉज बनाता है और उन्हें इन्फोर्स करता है गवर्नमेंट बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जो स्टेट्स को रन करता है ये डेमोक्रेसी हो सकता है मोनार्की की या डिक्टेटरशिप लेकिन हर केस में ये सोसाइटी को ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करता है फोर्थ वन हमारे पास आ जाता है दैट इज सोवरेनिटी। स्टेट का अथॉरिटी के वो अपने कवानी और पॉलिसीज़ बिना किसी इंटरफेर के बना सकते हैं सोवरेनिटी स्टेट को इंडिपेंडेंस बनाती है जिसमें वो अपने फैसले और पॉलिसीज खुद तय करती है ये चार एलिमेंट्स टेरिटरी, पॉपुलेशन गवर्नमेंट और सोवरेनिटी स्टेट का बेसिक स्ट्रक्चर और अथॉरिटी डिफाइन करते हैं अब हम बात करते हैं इसकी कुछ फ्रैक्टरिस्टिक्स की यानी वो खास ट्रेड्स जो स्टेट को एक यूनिक इंस्टीट्यूशन बनाता है फर्स्ट वन हमारे पास आता है लीगल अथॉरिटी स्टेट के पास वो लेजिटिमेट पावर है कि वो लॉस बनाए और उन्हें इनफोर्स करे यानी वो पावर है जो स्टेट को अपने टेरिटरी में हाईएस्ट अथॉरिटी बनाती है सेकेंड हमारे पास आता है परमानेंस स्टेट एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है जबकि गवर्नमेंट वक्त के साथ बदलती है जैसे कि गवर्नमेंट तो इलेक्शन और पावर के चेंज होने के साथ आती और जाती रहती है लेकिन स्टेट अपने स्ट्रक्चर में कांस्टेंट रहता है थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है सोवरेनिटी स्टेट के पास अपने एरिया में मुकम्मल कंट्रोल होता है यानी वो खासियत है जो किसी और एंटिटी को स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने से रोकती है फोर्थ और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है इम्पार्शलिटी एंड जस्टिस स्टेट आइडियली सबके लिए जस्टिस और फेयरनेस को इंश्योर करता है एक अच्छा स्टेट इम्पार्शियल और और डिसीजन लेकर अपने सिटीजन से के जो भी राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है सो so, ये थे कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो एक स्टेट को एक यूनिक स्टेटस देता है एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ अथॉरिटी स्टेबिलिटी एंड जस्टिस अब हम बात करते हैं फंक्शंस के यानी वो काम जो एक स्टेट जो है वो अंजाम देती है ताकि वो अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट कर सके उनकी जिंदगी बेहतर बनाए और बताने में काफ़ी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है फर्स्ट वन हमारे पास आता है फंक्शन दैट इज लॉ एंड ऑर्डर पीस और जस्टिस को मेंटेन करना और रूल्स एम्फोर्स करना इस फंक्शन में पुलिस कोर्ट्स और लीगल सिस्टम शामिल होता है जो सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है और उन्हें एक सेफ इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है Secondary, हमारे पास आता है डिफेंस एंड सिक्योरिटी। बाहर के खतरों से नहीं, अपनी टेरिटरी को बचाना मतलब अपनी स्टेट की हिफाजत करना अपने एरिए की हिफाजत करना मिलिट्री और डिफेंस अलायंसेस स्टेट को प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं कि ये स्टेट का प्राइमरी फंक्शन होता है ताकि वो इंडिपेंडेंट और सेफ रहें थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज वेलफेयर सर्विसेज अपने लोगों की सोशल नीड्स को पूरी करना मॉडर्न स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हेल्थ एजुकेशन और वेलफेयर जैसे सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करे। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है इकोनॉमिक रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट इकोनोमी को कंट्रोल और डिवेल्प करना स्टेट बिजनेस रेगुलेशन सबसाइडल और इकोनॉमिक पॉलिसीज के जरिए इकोनोमी में स्टेबिलिटी ला सकती है और सोशल हारमोनी को मेंटेन भी कर सकती है फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स स्कूल्स और हॉस्पिटल्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना और उन्हें मेंटेन करना इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट सोसाइटी को स्मूथली फंक्शन करने और ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है सो so, ये थे कुछ फंक्शन स्टेट के जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रोल्स को हाईलाइट करते हैं और जो कि सिर्फ ऑर्डर मेंटेन नहीं करते बल्कि सिटीजन के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मददफुल साबित होते हैं आखिरी टॉपिक में हम इसके कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे इनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि स्टेट की क्या क्या टाइप्स होती हैं जो उनके गवर्नमेंट स्टाइल्स के बेसिक बेस पर डिफरेंस करती है सो सबसे पहले हमारे पास आती है डेमोक्रेटिक स्टेट इसमें क्या होता है कि पावर लोगों के साथ होता है और इलेक्शन के जरिए यूज किया जाता है डेमोक्रेसी का फाउंडेशन फ्रीडम और इक्वालिटी पर है और यूनाइटेड स्टेट और इंडिया डेमोक्रेसी की एग्जाम्पल्स हैं सेकेंडली हमारे पास आती है सोशलिस्टिक स्टेट स्टेट का सेंट्रल रोल इकोनॉमी में होता है और एम होता है कि सोसाइटी में इन कम हो सोशलिस्ट स्टेट्स का गोल होता है कि वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना और इक्वालिटी को प्रमोट करना थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है मोनार एक रॉयल फैमिली या किंग या क्वीन जो रूल करता है मुनार्क की आजकल कम है लेकिन कुछ कंट्रीज में जैसे सऊदी अरब और यूके यूनाइटेड किंगडम में मुनार की स्टिल जो है वो एग्जिस्ट करती है फर्स्टली हमने बात की डेमोक्रेटिक जिसमें हमें फ्रीडम होती है अपने राइट्स को यूज करके अपने मुताबिक जो है वो वोटिंग करके अपने जो लीडर है वो खुद चूज कर सकते हैं सोशलिस्ट so, के अंदर जो स्टेट का सेंट्रल रोल होता है उसका मकसद जो होता है वो होता है इकोनॉमी में आ, वो होता है कि और उसको देखते हैं कि अपनी सोसाइटी में इनक्वलिटी को कम किया जा सके वेल्थ को ज्यादा से ज्यादा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके लेकिन मनारखी में क्या होता है कि कोई से जो गवर्नमेंट चली आ रही होती है उसी को जो है वो प्रमोट करते हैं थ्रू इंडियन चिल्ड्रन So, ये थे कुछ टाइप्स जो अपने गवर्नमेंट स्ट्रक्चर और सिटीजन के साथ इंटरेक्शन करने का तरीका होता है जो कि उन्हें डे बाय डे लाइफ और सोसाइटी पर असर डालता है स्टेट ये एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एंटिटी है जो अपनी टेरिटरी में अथॉरिटी होल्ड करती है और अपने सिटीजन के वेलफेयर और सिक्योरिटी के लिए फंक्शन परफॉर्म करती है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर नेक्स्ट वीडियो टेक केयर अल्लाह हाफिज